वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रदीप कुमार एंड आई एम लेक्चरार बायोलॉजी एट मैरिटोरी स्कूल गुरदासपुर तो डियर स्टूडेंट्स आज आपको हम टेन प्लस टू का जो यूनिट नंबर फाइव है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट उसमें से आपको चैप्टर नंबर फोरटीन करवाएंगे जो कि है इकोलॉजी uh, के बारे में और उसमें एक टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन तो आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन डिटेल में पढ़ेंगे उसका प्रोसेस क्या है प्रोसीजर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके सो इट इज़ विजिबल टू यू ये पी के थ्रू मैं समझा रहा हूँ बाद में आपको पी के थ्रू भी करवाऊँगा इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या एन इम्पोटेंट करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ ऑल द कम्यूनिटीज इज़ डैट देयर कम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन तो सभी जो कम्यूनिटीज़ होती हैं चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हों उनका जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है दिस चेंज इज़ ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल पैरलर विद चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट और ये एक ऑर्डर में होती है ऐसे नहीं है कि एकदम से हो जाएंगी इसमें टाइम लगता है चेंजेस में और ये इन्वायरमेंट फैक्टर के पैरलरली चेंज होती है यानी जिस रेंज में इन्वायरमेंट के फैक्टर चेंज होंगे उसी रेंज में ये चेंज होगी सो so, दिस चेंजिंग जो है फाइनली एक कम्युनिटी बना देती है डेट इज़ नियरली एक्लिवियम विद द इन्वायरमेंट एंड इट इज़ कार्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी और चेंजेस एंड तक जाती हैं और एक ऐसी स्पीशीज बन जाती है चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो और बाद में उसमें कोई चेंज नहीं आती इसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी सो द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कम्पोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज़ कार्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन तो ये मेन है इसमें क्या है द ग्रेजुअल एंड प्रडिक्टेबल चेंज प्रडिक्टेबल भी होती है और इसमें पता होता है भी ये चेंज होने वाली है इन द स्पीसी स्पीसीज में उसकी कंपोजिशन में एक गिवन एरिया में टाइम के हिसाब से इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन ड्यूरिंग द सक्सेशन सम स्पीसीज कोलोनोलाइज इन एरिया एंड देर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं सक्सेशन में जिनके जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करते हैं उनमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है और वो न्यूमरस ज़्यादा हो जाती हैं कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिनमें थोड़ा कम ग्रो होती है और बाद में वो डिक्लाइन भी हो जाती है यानी सक्सेशन में कुछ स्पीसीज़ का नंबर बढ़ जाता है कुछ स्पीसीज़ का नंबर डिक्लाइन हो जाता है सो so, जो इंटायर सीक्वेंस है ऑफ द कम्यूनिटीज़ डैसिक्वेंसली चेंज इन ए गिवन एरिया सीरीज जो भी चेंजेस आती हैं स्टेप वाइज जो भी चेंजेस आएंगे जो भी कम्युनिटीज़ बनती जाएंगी पुरानी कम्युनिटी ख़त्म भी हो सकती है न्यू फ्लॉरिश करेगी ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सक्सेशन तो जो भी इसमें स्टेज आती है उसको हम सीरीज़ कहते हैं सो इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटी जो बनती है उसमें उसको कहते हैं सीरल स्टेज और द सीरल कम्युनिटीज़ जो भी कम्युनिटी हमें बनती है उसको हम सीरल स्टेज या स्रल कम्युनिटी का नाम देते हैं आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर है बाद में आपको डायग्रामेटिकली भी बता दूंगा सो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज़म एज़ वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास इसमें ऑर्गेनिजम का नंबर भी बढ़ता है उसका बायोमास भी बढ़ता है स्पीसीज का नंबर भी बढ़ता है आगे अगर हम बात करें प्रेजेंट डे कम्युनिटी की इन द वर्ल्ड हैव बिकम मोर बिकॉज ऑफ द सक्सेशन हैज अकड ओवर मिलियन ऑफ द ईयर सिंस द लाइफ स्टार्टड अगर हम बात करें बर्ड में आपको कई तरह के एनिमल्स मिलेंगे प्लांट्स मिलेंगे या माइक्रो ऑर्गन मिलेंगे इसका कारण क्या है क्योंकि जो लाइफ का जो स्टार्ट है काफ़ी हजारों करोड़ों साल पहले हो चुका है उसमें जो सक्सेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है सो एक्चुअली द सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव इन पैरेलल तो सक्सेशन जो है या एवोल्यूशन है वो पैरेलल ही हम उसको समझ सकते हैं सक्सेशन जो है इज़ द प्रोसेस इसे हम ऐसे समझ सकते हैं इज़ द प्रोसेस दैट स्टार्ट वियर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दिस कुड एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड से बेयर रॉक सक्सेशन कह सकते हैं यानी स्टार्टिंग में वहाँ कुछ नहीं है बंजर जमीन है वहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है तो उस एरिया को हम कहेंगे वियर रॉक चट्टान है और एंड एरिया समो लोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म डेट एग्जिस्टेड देर या तो ऐसे हो सकता है कि उस कम्युनिटी में पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म ना हो या ऐसे हो सकता है कि पहले वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म हो बाद में ख़त्म हो गए जैसे बॉल क्या आ गया जंगल है जंगल में आग लगी जैसे एमाजोन फॉरेस्ट में आग लगी थी तो उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं तो दो कंडीशन आ गई जो पहले मैंने आपको बताई वेयर जो सिर्फ़ एक पथरीली चट्टान है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है वहाँ अगर लाइफ स्टार्ट होनी है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइप है सक्सेशन दो तरह की होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सो प्राइमरी सक्सेशन में क्या आ गया बेर रॉक वाला वहाँ कोई लाइफ नहीं थी सेकेंड जो पहले लाइफ थी ख़त्म हो गई जैसे जंगल में आग लगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या है दैट इज़ द न्यूली कूल्ड लावा लावा ठंडा हुआ है चट्टान है न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर एस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू वाइटिक कम्युनिटी इसमें स्लो होगी क्योंकि अगर चट्टान है उसमें लाइफ बननी उसको काफ़ी टाइम लगेगा उसमें दस हज़ार तक साल भी लग जाते हैं लाखों साल भी लग जाते हैं बिकॉज़ ए बायोटिक कम्यूनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम्स एस्टैब्लिश एंड देयर मस्ट बी सॉइल तो सबसे पहले सॉइल होनी चाहिए चट्टान के पास सॉइल नहीं है सॉइल में ना कोई फ्लोरा है ना फोना है कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उसमें पहले सॉइल फॉर्मेशन होगी तो वो एक स्लो स्टेप होगा डिपेंडिंग ऑन मोस्टली ऑन द क्लाइमेट एंड इट इट टेक्स नैचुरल प्रोसेस काफ़ी हंड्रेड थाउजेंड साल लग जाते हैं प्राइमरी सक्सेशन में क्योंकि चट्टान ने पहले क्या बनना है वहाँ पे फर्टाइल सॉइल सो प्राइमरी सक्सेशन जो है ज़्यादा टाइम लेती है सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें एक ऐसे एरिया में आती है वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्यूनिटी और कट फॉरेस्ट लैंड डेट फ्लडड तो मैंने बता दिया सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हुआ पहले वहाँ लाइफ थी बाद में क्या हो गया वहाँ फॉरेस्ट फायर आ गई जहाँ वहाँ फ्लड आ गए वालकैनिक करप्शन होगी तो उस वजह से कम्युनिटी खत्म होगी तो इसमें क्या होगा वहाँ सॉइल ऑलरेडी बनी है जंगल में आग लग जाए सॉइल ख़त्म नहीं होती उसके सेडिमेंट प्रेजेंट हो गए तो उसमें सक्सेशन जो है फास्ट होगी सो डिट so, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिक सक्सेशन जो है यूजली फोकस ऑन द चेंजेस इन वेजिटेशन इसमें वेजिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है क्या चेंजेस आ रही है हो एवर दीज वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट द फूड एंड शेल्टर और द वेरियस टाइप ऑफ एनिमल तो इनमें जब ऑर्गेनिज़म प्लाट के साथ साथ एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट कम्यूनिटीज़ ग्रो करती जाएंगी उसके साथ में जो एनिमल्स हैं उनको भी अफेक्ट होगा सो दीज़ वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट द फूड एंड शेल्टर ऑफ एनिमल तो क्योंकि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक्स हैं तो प्लांट को खाने वाले जो एनिमल्स हैं दे आर हेड्रोटॉपिक उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है सो so, उनको भी इफेक्ट होता है सो एंड सक्सेशन जैसे प्रोसीड करती है नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोज़र एल्सो चेंज सो सक्सेशन की हर स्टेज में कम डिकम्पोज़र और आपके कंज्यूमर वो चेंज होते रहेंगे एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के किसी भी टाइम में नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्बेंस उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए जहाँ तो नेचर कर दे जहाँ तो ह्यूमन कर दे जैसे फायर हो गई डिफोरेस्टेशन जंगल को काट दिया बॉल कैनो आ गया फ्लड आ गया एक्सेट्रा कैन कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्ली अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गई मानिए पहले वहाँ सॉइल नहीं थी सॉइल बन गई एक स्टेज आगे चल गई पर बाद में अगर वहाँ बालकैनिक करप्शन आ गया तो सॉइल ख़त्म हो जाएगी ठीक है तो वहाँ वो पिछली स्टेज में फिर चला जाएगा आल्सो सच ए डिस्टर्बेंस क्रिएट न्यू कंडीशन डैट इनक्रेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज अनदर अदर स्पीसीज तो ये जो चेंज आती है इसमें कुछ स्पीसीज़ इंकरेज हो जाती हैं कुछ स्पीसीज़ जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं सो so ये आपने याद कर लेना है सो सक्सेशन जो है प्लांट में बेस्ड ऑन द नेचर ऑन द हैबिटेट वेयर इट इज़ जैसे पानी में हो रही है बैक्टीरिया है और इट ऑन ड्राई एरिया जैसे प्लांट की अगर सक्सेशन करनी है पानी में वो हाइड्रार्क होगी अगर रेगिस्तान में ड्राई एरिया में वो जीरा आर्क होगी हाइड्रार्क सक्सेशन जो है वाटर एरिया में लेती है एंड सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू म्यूज़िक कंडीशन एज अगेंस्ट दिस जीरिक कंडीशन जो सक्सेशन है टेक प्लेस इन ड्राई एरिया एंड सक्सेशन प्रोसीड जीरिक्स टू म्यूज़िक यानी अगर सक्सेशन पानी में होगी ठीक है तो पानी में धीरे धीरे पौंड खत्म हो जाएगा तो उसमें एक फॉरेस्ट बन जाएगा लैंड बन जाएगी तो उसमें क्या होगा हाइड्रिक के बाद क्या आ जाएगी मिजिक कंडीशन तो अगर आपकी जीरो फिटिंग में हो रही है रेगिस्तान में हो रही है तो रेगिस्तान में पहले मिट्टी बनेगी फिर वहाँ पानी इकट्ठा होगा फिर वहाँ कैटिक आ जाएगी तो यहाँ बेट कंडीशन आ जाएगी सो सबसे पहले जो स्पीशीज ग्रो करती है सक्सेशन में चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो जो सबसे पहले वाली स्पीशीज होती है उसको कहते हैं पॉइनियर स्पीशीज ये याद कर लेना है इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन द रोक देर आर यूजली लाइकन डेट ए एबल टू क्रिएट एसिड एंड डिजोल्व द रोक हेल्पिंग इन विदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन तो अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की स्टूडेंट्स बात करें तो सबसे पहले उसमें क्या होता है चट्टान को तोड़ने के लिए लाइकन ग्रो करते हैं लाइकन आपने पढ़ा होगा प्लांट्स होते हैं फंगल एंड एल्गल ग्रोथ इकट्ठी होती है तो वो एसिड्स क्रिएट करते हैं उससे चट्टान टूटनी शुरू हो जाती है सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वेरी स्मॉल प्लांट ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट उसके बाद विच टेक होल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल वो सॉइल बनाते हैं एंड विद द टाइम वहाँ बिगर प्लांट आ जाएंगे अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी जो कि एनजियो स्वस हैं तो इस तरीके से आता है सो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है रिमेन स्टेबल एज लॉन्गर इन्वायरमेंट रिमेन अनचेंज विद द टाइम जीरो फिटिक हैबिटेड कन्वर्टेड इन टू मिज फिटिक सो चटान की बात कर रहे हैं उसको जीरो फिटिक कह सकते हैं जहाँ पहले कोई लाइफ नहीं थी बंजर जमीन तो उसमें क्या हुआ पहले आपके लाइकन आ गए लाइकन के बाद ब्रायोफाइट ट्रीडोफाइड जिम्नोसपम एनजियोसपम आएंगे ठीक है एनजियोसपम जो मोस्ट स्टेबल है जब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो एनजियोसपम वहाँ सर्वाइव करेंगे सो प्राइमरी सक्सेशन की अगर मैं बात करूँ इन वाटर की बात करें तो पॉइनियर जो है आर स्मॉल फाइटो प्लैंक्टोन पानी में अगर प्राइमरी सक्सेशन होगी तो सबसे पहले क्या आएंगे वहाँ फाइटो प्लैक्टोन फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं विद द फ्री फ्लोटिंग एनजियोसपम देन बाई रूटेड हाइड्रोफाइट देन सेज ग्रास एंड फाइनली ट्री इस तरीके से जाती हैं। सो द क्लाइमेक्स जो है अगेन वुड बी फॉरेस्ट बाद में वहाँ क्या बन जाएगा फॉरेस्ट विद द टाइम द वाटर बॉडीज़ कन्वर्टेड इन टू लैंड बाद में वहाँ लैंड बन जाएगी अगर सेकेंडरी सक्सेशन की बच्चों बात करें तो स्पीसीज दैट इन वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सॉइल सॉयल के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे इन्वायरमेंट आल्सो जैसे शीड और अदर प्रॉपे ग्यूल्स प्रेजेंट तो सेकेंडरी सक्सेशन जैसे जंगल में आग लगी ठीक है तो उसमें कुछ रूट्स तो बचे जाएंगे प्लांट की या कुछ शीड बचे जाएंगे वो जर्मिनेट कर सकते हैं वहाँ ऑलरेडी आपके पास सॉइल है तो इसका जो रेट है फास्टर होगा जो मैंने आपको बता दिया था इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल्दी बन जाएगी ये मैंने आपको बता दिया तो यहाँ डाइग्रामेटिकली आप देख लीजिए फाइटोपलेंगटॉन नीचे से स्टार्ट करते हैं ये है प्राइमरी सक्सेशन के बारे में बता रहे हैं तो क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग में होना है प्राइमरी सक्सेशन यानी पानी में लैंड बनाना है ठीक है पहले लैंड नहीं है पहले पानी है तो पहले क्या कम्युनिटी आएगी डैट विल बी द फाइटो प्लैकटोन फिर आएंगे साथ में रीड्स वैम स्टेज सबमर्ज प्लांट फिर मार्श मीडो स्टेज आएगी फिर आएंगे समर्ज फ्री प्लॉटिंग प्लांट फिर आएंगे स्क्रब प्लांट फिर आएगा फॉरेस्ट सो ईयर फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे है डेट इज ऑल द सक्सेशन वैदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड टू बी सिमिलर क्लाइमेट कम्यूनिटी दैट इज द म्यूजिक चाहे सक्सेशन वाटर में हो चाहे प्लांट में हो तो बाद में क्या आएंगे आपके सिमिलर म्यूजिक कंडीशन आएगी डैट विल बी टाल ट्री एन जी उस पर हम ग्रो करेंगे सो so, अभी आगे कुछ आपको मैं दिखाता हूँ पी पी टी के थ्रू सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं थ्रू द पी पी टी चेंज इन द इोसिसटम तो बेसिकली जो सक्सेसन होती है ये चेंज ही होती है जो इकोसिसटम में ही चलती है ड्यू टू द फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स वो मैं आपको बता चुका हूँ तो देखते हैं क्या इसमें एकोलॉजिकल सक्सेसन है क्या नेचुरल ग्रैजुअल चेंजिस इन द टाइप्स ऑफ स्पीसीज डेट लिव इन एन एरिया कैन भी प्राइमरी और सेकेंडरी द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लान कम्युनिटी बाय अनादर थ्रू द नेचुर प्रोसेस ओवर टाइम सो वट डज इट मीन नेचुरल सक्सेशन अभी बता चुका हूँ ये नेचुरल चेंज होती है जो कि कोई स्पीसीज है किसी एरिया में रह रही है उसी में होती है ये प्राइमरी भी हो सकती है सेकेंडरी भी हो सकती है और इसमें ग्रेजुअल स्लोली रिप्लेसमेंट होती रहती है प्लान कम्युनिटी बाय अनादर यानी एक कम्युनिटी ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है सो तो द नेचुरल प्रोसेस ओवर टाइम तो नेचर के थ्रू प्रोसेसिस से ही ये है चलती हैं प्राइमरी सक्सेशन बिगिन इन ए प्लेस विदाउट एनी सॉइल कोई ऐसी जगह जहाँ पे पहले कोई सॉइल ना हो उस जगह पे जो स्पीसीस पहले सक्सेशन जो टाइप अराइज़ होती है उसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी सक्सेशन मैंने आपको अभी बता दिया है पहले जो हम बुक्सें एन सी से कर रहे थे सो so, सेम इसी में है बिगेन इन द प्लेस विदाउट एनी सॉइल उसी जगह पे होगी जहाँ पहले कोई सॉइल ना हो एंड साइड्स ऑफ बलकैनो बालकैनो जहाँ हुए है लाइन स्लाइड हुई है फ्लडिंग हुई है इस एरिया में प्राइमरी सक्सेशन होती है सो फर्स्टली यहाँ लाइकन ग्रो करते हैं डैट डू नॉट नीड टू सॉइल टू सरवाइव ग्रो ऑन रॉक तो एक वेयर रॉक होती है जहाँ सॉइल नहीं होती है. तो लाइकन मैंने बताया था आपको एसिड्स क्रिएट करते हैं जो कि रॉक के हार्ड पार्टिकल को तोड़ देता है और सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है बिदरिंग से उसके बाद मॉसिस शुरू हो जाते हैं ग्रो होना जो कि आपको मैंने बताया था ब्रायोफाइट रिडोफाइट इनको हम पॉइनियर स्पीसीज़ कहते हैं जो सबसे पहले स्पीसीज़ ग्रो करेगी उसको हम पॉइनियर का नाम देते हैं एंड इन दैट केस वी हैव पॉइनियर स्पीसीज द लाइकन्स नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइनियर स्पीसीज है क्या ये देख लीजिए पोइनियर स्पीसी लाइकन ब्रेक डाउन द रॉक फॉर्म सॉइल ये रॉक को तोड़ रही है लाइकन और सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट कर रही है उसके बाद लो ग्रोइंग मॉस प्लांट ट्रैप मॉइस्चर एंड प्रवेंट सॉइल एरोजन फिर उसके बाद आ जाएंगे मॉसिस मॉसिस ब्रायोफाइट रिडोफाइट को कहते हैं ये वाटर अब्जोर्व करते हैं सॉइल को इनकर बना के रखते हैं इससे सॉइल जो है बिखरेगी नहीं वो एरोज़न ही होगा सॉइल फॉर्मेशन चलती रहेगी प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल जो है स्टार्ट टू फॉर्म लाइक सो यहाँ पर जो सॉइल है वो स्टार्ट टू फॉर्म एज लाइकन एंड फोर्सिस बिदरिंग एंड हेल्प इन ब्रेक डाउन रॉक इन टू स्मॉलर पीसीस तो यहाँ जो लाइकन होते हैं वो सॉइल को बनाना शुरू कर देते हैं रॉक की उसको खोरना शुरू कर देते हैं उसको हम बिदरिंग का नाम देते हैं एंड छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो जाती है जो चट्टान होती है जब लाइकन मर जाते हैं फिर वो डिकम्पोज होते हैं एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द रॉक जब लाइकन खत्म हो जाएंगे तो उसका जो बायोमास होगा वो है आल्सो हेल्प करेगा इन द ह्यूमस फॉर्मेशन सो so ये यहाँ देख सकते हो यहाँ पे रॉक है इसमें स्टार्ट हुई है सक्सेशन दिस काइंड इज़ द प्राइमरी सक्सेशन और यहाँ पे पहले लाइकन ग्रो हुए हैं फिर मॉसिस फिर ब्रायोफाइट ट्रीडोफाइट एंड जो सेंटर में है दे आर हाय, हायर प्लांट्स दे आर द सो so प्राइमरी सक्सेशन यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी ये रॉक है यहाँ पे स्टार्ट हुई है उसके बाद यहाँ मॉसेस एंड फर्न ग्रो हो गए हैं ये प्राइमरी सक्सेशन है सिंपल प्लांट लाइक मॉस एंड फर्न कैन ग्रो इन द न्यू सॉइल जब न्यू सॉइल बन गई है लाइकन की हेल्प से जो चट्टान के ऊपर अब वहाँ क्या ग्रो करेंगे मॉसेस एंड फर्नस ये प्राइमरी सक्सेशन देखिए और अदर अच्छे से समझाया हुआ है सिंपल प्लांट डाई एडिंग मोर ऑर्गेनिक मैटर यानी जो छोटे प्लांट खत्म होंगे पहले यहाँ पे लाइकन ख़त्म हो जाएंगे उसका ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करेगा मोसिस एंड फर्न को ग्रो करने के लिए मॉसिज एंड फर्न जब ख़त्म होंगे वो हेल्प करेगा फर्दर प्लांट की ग्रो के लिए जो सॉइल की लेयर होती है इससे क्या जाती है? हो जाती है थिक होना शुरू हो जाती है एंड ग्रास वाइल्ड फ्लावर एंड अदर प्लांट वीगेन टू टेक ओवर फिर वहाँ पर ये प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो ये देखिए जो वाइल्ड फ्लावर है फ्लावर प्लांट्स हैं यहाँ पे शो हुए हैं इस फील्ड में ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं सो so, यहाँ पे जो प्लांट जब डाई हो जाते हैं दे ऐड मोर न्यूट्रिएंट टू सॉइल श्रब एंड ट्री कैन ग्रो फिर जो छोटे प्लांट ख़त्म हो जाएंगे फिर उससे बाद क्या शो हो जाएंगे श्रब जो हर्ब्स एंड श्रब बड़े प्लांट और ट्री बनना शुरू हो जाते हैं सो इंसेक्ट स्मॉल वर्ड एंड मैमल ये भी ए, मैंने आपको बताया था जो सक्सेशन होती है नॉट ओनली फॉर प्लान्ट प्लांट के ऊपर एनिमल सर्वाइव करते हैं दे आर दैट्रोटोप्स ठीक है कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर को खाएँगे इसके साथ जो इंसेक्ट हैं स्मॉल बर्ड्स हैं मैमल्स हैं ये भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उस एरिया को मूव करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर न्यू प्लांट ग्रो करेंगे यानी जब उनका पुराना फूड ख़त्म हो जाएगा तो न्यू फूड की सर्च में जाएंगे वट वॉज़ वंस वेयर रोक नो स्पोर्टिव वाइटी ऑफ लाइफ जो पहले कभी एक बंजर जमीन थी एक चटान थी वो अभी काफ़ी तरह के एनिमल्स और लाइफ को सपोर्ट करना शुरू कर रही है सो so, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन ये उस जगह पे होती है जहाँ ऑलरेडी आपके पास सॉइल होगी बाज वंस द होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर फास्टर एंड हैज़ डिफरेंट पोनियर स्पीसीज तो ये तेज़ी से होती है इसमें पॉनियर स्पीसीज डिफरेंस होती हैं जैसे फॉरेस्ट फायर होगी जंगल में आग लग गई तो फिर भी कुछ बचा होगा सॉइल वहाँ ग्रो करेगी तो ये देखिए यहाँ पे सक्सेशन को समझाया हुआ है अच्छे से स्टार्ट हो रही है ये सेकेंडरी सक्सेशन है यानी यहाँ पहले कुछ रूट्स बची थी वो ग्रो होनी शुरू हुई फिर छोटे प्लांट फिर बड़े प्लांट ऐसे ग्रो करेगी ईयर आफ्टर कल्टिवेशन अब जहाँ कल्टीवेशन होती है जब जैसे जंगल काट देते हैं जहाँ आग लगा दी तो क्या होता है वैसे पहले एनुअल बीड ग्रो करेंगी ठीक है ये आपका लिथोसीडी भी हो सकती है जो एग्जाम्पल है सेकेंडरी सक्सेशन की और एनुअल एंड पेरनियल बीड आएंगी फिर आएंगे पाइन शीडलिंग फिर आएंगे जंग पाइन फॉरेस्ट फिर आएंगे मेच्योर हार्डवुड फॉरेस्ट ऐसे ग्रो होती है ये भी देख लीजिए ये आपकी हाइड हाइड्रार्क है हाइड्रार्क और हाइड्रो सीरीज ये सक्सेशन हो रही है पॉन्ड में पॉन्ड में होगी अब पॉइंट को वो क्या बनाएगा कन्वर्ट करेगा इनटू द फॉरेस्ट मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में यहाँ बीच बीच ग्रास ग्रो कर गई पहले फिर फॉरन कम्युनिटी ग्रास आ गई फिर श्रब आ गई फिर पाइन बुड आ गई फिर ओख बुड आ गई फिर बीच मेपल फॉरेस्ट तो इस वजह से ग्रो करते हैं साथ में ह्यूमस फॉर्मेशन जैसे जैसे सॉइल की नरिचमेंट हो रही है दैट आर प्रोवाइडिंग द सपोर्टिंग सिस्टम फॉर न्यू टाइप ऑफ प्लाट्स क्लाइमैक्स कम्युनिटी उसके बाद एक कम्युनिटी आती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी एक स्टेबल ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल डैट एंड द रिजल्ट ऑफ सक्सेशन जिसके बाद कोई भी सक्सेशन नहीं होगी वहाँ स्टेबलिटी आ जाएगी डज नाट ऑलवेज मीन बिग ट्री ग्रास भी हो सकते हैं सिर्फ बड़े ट्री नहीं होंगे सिर्फ ग्रास भी हो सकते हैं कैटकी इन द डेजर्ट पेरिससी में जो ग्रासिस क्लाइमैक्स होगी और डेजर्ट्स में कैटकस ट्रीज होंगे ये देख सकते हो यहाँ शो हुआ है क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये चट्टान जो है इसके ऊपर धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन हो रही है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्राइमरी सक्सेशन समझा चुका हूँ ये भी हो गया है हर्ब्स एंड बीट्स कैन ग्रो इन द थिकर इन रिच सॉयल जैसे सॉइल रिच होगी वहाँ पे हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं फिर सिंपल प्लांट डाई हो जाएंगे उसके बाद वहाँ ग्रासीज़ आ जाएंगे वाइल्ड फ्लावर आ जाएंगे फिर जैसे जैसे और ज़्यादा सॉइल रिच होंगी वो खत्म हो जाएंगे डैट विल सपोर्ट द बिगर ट्री सो so, देख लिए दिस प्लांट डाई एंड एड मोर न्यूट्री श्रब्स एंड ट्री वहाँ सर्वाइव होंगे अभी अब बता चुका हूँ आपको उसके साथ आपको इंसेक्ट बर्ड एंड मैमल भी साथ में फ्लोरिश होते हैं सो so, दिस प्लांट डाई एंड दे ऐड मोर न्यूट्रिएंट इन सॉइल लार्जर ट्री कैन ग्रो बीच ऑक बालनट एंड मेपल ये बड़े ट्री होते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी है तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक बार फिर से देख लीजिए ये क्या है स्टेबल कम्युनिटी है फाइनल स्टेज है का सक्सेशन की तो विद क्लाइमेक्स कम्युनिटी द कंडीशन कंटिन्यू टू सुटेबल फॉर आल द मेम्बर ऑफ कम्युनिटी तो इसमें जो सारी सिचुएशन सूटेबल होती हैं कोई भी इन्वायरमेंट चेंजेस होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी को इतना अफेक्ट नहीं करती तो ये सारी क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ हैं देख सकते हो इसको आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा ये फॉरेस्ट फायर हो गई है इस वजह से सक्सेशन द्वारा फिर स्टार्ट होगी उसको सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे ये आग लग गई है बालकैनोज एवलेंचे लाइन स्लाइडिंग हो गई है डीफॉरेस्टेशन ये सारे कारण हैं जो बेसिकली इसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं और मैन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी को ख़तरे होते हैं फॉरेस्ट फायर ह्यूमन बिल्डिंग सिटी रोड फ्लडिंग बालकैनो रप्शन क्लिनिंग एज कम्युनिटी फॉर एग्रीकल्चर एनी थिंग डैट डिस्ट्रॉय द एगजस्टिंग कम्युनिटी मच ऑफ द सॉइल रिमेन सम टाइम सम ऑफ द ऑर्गनिज्म जो हैं रिमेन एज वेल सेड्री सक्सेसन देख लीजिए पहले लाइफ थी फायर होगी वहाँ पर या डीफोरेस्टेशन होगी बार कैनिकपशन होगी फिर से वहाँ लाइफ शुरू होगी यह ऑलरेडी बता चुका हूँ सो so, जो आपकी प्राइमरी सक्सेशन है जो स्लोअर होती है जो सेकेंडरी सेक्शन है इट मच फास्टर क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सॉइल होती है सो तो ये देख लीजिए सेकेंडरी सक्सेशन समझाई हुई है फॉरेस्ट फायर लग गई एक साल लगा एक सौ दो साल में वहाँ एन्यूअल प्लांट पॉइंट स्पीसीज ग्रासीस पेरिनियल आ गए फिर इंटरमीडिएट आ गए फिर वहाँ क्लाइमेक्स आ गई तो ये बेसिकली दो सौ या पाँच सौ साल लगाती है तो ये आपकी सकेंड प्राइमरी सक्सेशन है उसमें दस हज़ार तक भी साल लग जाते हैं कई में लाखों साल लग जाते हैं सेकेंडरी सक्सेशन ऑन एन एबेंडेंड कॉर्न फील्ड ये कॉर्न फील्ड है उसको ख़त्म कर दिया सारा आग लगा के फिर वहाँ पे द्वारा फिर सक्सेशन हुई है ये पूरी क्लियर कट पिक्चर है सो so, सेकेंडरी जो सक्सेशन है सम बीट जो शीड हैं इन द सोइल बिगेन टू ग्रो यानी जब फॉरेस्ट को आग भी लगा देंगे जमीन को जला भी देंगे कुछ ना कुछ वहाँ उसके आ, रटून बचाएँगे शीडलिंग बचाएँगे रूट्स बचाएँगी वो दोबारा फ्लॉरिश हो जाती हैं लार्जेस्ट रब मूव इन फास्ट ग्रोइंग ट्रीज स्पाइन इन दीज आर फॉलोवर्ड बाई स्लोअर ग्रोइंग हार्ड वो ट्री इस तरह से सक्सेशन होती है यानी जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये मच फास्टर होती है ये भी सेकेंडरी सक्सेशन ही है एक तरह की ये हाइड्रो सीरीज़ है क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इंसेक्ट जो हैं यहाँ पे नेशनल वाइड सेवन मिलियन जो एकड़स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड आर एट सीरियस रिस्क फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीज़ इंसेक्ट का काफ़ी ख़तरा है अक्रॉस साउथ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज इन द साउथ पाइन बैटल जो साउथ पाइन के सॉरी बीटल्स हैं इनका ख़तरा है अटैकिंग टिम्बर टिम्बर को जो फर्नीचर में काम आती है लकड़ी को उसको अटैक करते हैं 57 मिलियन एकड़ जो है इसका रिस्क है यानी कुछ ऐसे प्रडेटर हैं पैरासिटिक प्लांट है जो नुकसान करते हैं ये बीमारियां है लगी हुई हैं ट्रीज़ को यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को काफ़ी खतरा रहता है इन्वेजिक प्लांट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जब बाहर से हम ऐड कर देते हैं तो नेचुरल जो वहाँ ऐड होती है स्पीशीज उसको ख़त्म कर देते हैं उसको इन्बेजिक कहते हैं सो इन द लास्ट वी हैव अ लिटिल होमवर्क फॉर यू फर्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेशन क्या है वाट इज़ सक्सेशन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज टिल स्टेबिलिटी ग्रेजुअल डायरेक्शन एंड कंट्रीज प्रोसेस सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी डेसअपियर ग्रेजुअली इन ए वैरन एरिया ऑल ऑफ दीज वन सिक्सटीन लाइकन इज पाइनियर वेजिटेशन और विच सक्सेशन किस सक्सेशन में लाइकन जो है पाइनियर स्पीसीज है हाइड्रो में लिथो में जीरो में या बोथ बी एंड सी वन सेवनटीन लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट क्या है सीरल है क्लाइमेक्स है ए एंड वी नान ऑफ थीज एक सौ अठारह इन जो कॉलमस कम्युनिटी इज़ द बेस्ट रिकोगनाइज बाई फॉलोइंग स्टेट किसको आप समझोगे यहाँ वन नाइनटीन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है तो ये देखिए यहाँ पे क्वान्टिटी ऑफ बायोमास इन ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रोप अनर्जी कंटेंट इन ट्रॉफिक लेवल इज डिटर्मिंड बाई कंसिडरिंग ए फ्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज डेट इन ए ट्रॉफिक लेवल डेट अकर इन न्यूली कूल्ड अलावा इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन रेट ऑफ सक्सेन इज फास्टर इन सेकेंडरी सक्सेशन सो आई होप स्टूडेंट यू आर नो एवल टू Uh, compile these important mcqs and thank you very much for your participation in this very useful lecture of ecological succession